देखिए टॉपिक क्या कह रहा है कि टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाम से लग रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर करंट लूप है। करंट लूप किसी भी शेप का हो सकता है, मतलब रेक्टेंगुलर केवल आपने इसलिए लिया है कि बुक में लिखा ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आसानी होती है, इसलिए आप ले रहे हो। लूप कोई भी आप ले सकते हैं। तो उसको अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है? मतलब कोई ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट कर दे। इसका मतलब ये जो लूप है जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो इसको रोटेट कर दिया होगा, ठीक है। देखिए टॉपिक है टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये एक सस्ता वाला मैग्नेट है, मतलब बड़ा टेक्निकल डायग्राम बनाना संभव नहीं है। बातें बाद में कर लिया करिए। अच्छा इसी डायग्राम के बारे में बातें कर रहे होगे, तो वो डायग्राम जैसा बेहतर बना सकते हो उतना ही बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आप बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट होने से फ़ायदा क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसके बीच में एक हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है और बता रहे हैं कि रेक्टेंगुलर लूप पे टॉर्क कितना एक्ट करेगा उसे आपको निकालना है। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा इसमें करंट आई फ्लो रही है और इसकी जो लेंथ ए बी है वो हमने क्या मानी है, एल, और इसकी ब्रेथ बी सी हमने क्या मानी है, बी। जानबूझ के डायग्राम में शो नहीं किया है, शो कर दो चाहे। ये लेंथ, ये इसकी ब्रेथ है बी, और लेंथ एल नहीं शो करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर एक अलग अलग आर्म के बारे में बात करें, ये एक्चुअली में ऐसे हमने रखा हुआ है, ऐसे सामने से देखिएगा, वैसे इसको उठाओ और ऐसे टेढ़ा कर दो। तो एक तरीके से ये जो आपके रेक्टेंगुलर लूप है वो इस तरीके से हमने रखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लूप का सरफेस है और ये मैग्नेटिक लाइन्स है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन्स इसके सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए, यानी कि पहला हम केस ले रहे हैं जब लूप का जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है ना, ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ज़रा सामने से इसको देखिए, जो इसका एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है ना अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऐसा एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है। भाई अगर आप लूप को ऊपर से देखते हो तो ये नॉर्मल वेक्टर है, अगर ऐसे देखते हो तो ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो ज़रा देखिए ध्यान से, हम पहले ये वाली आर्म लेते हैं बी सी। बी सी जो आर्म है, यानी बी सी आर्म में जो करंट आई फ्लो हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, बी सी आर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, तो जीरो बना रही है। यानी बी सी पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री है। ज़रा ए डी पे आ जाओ, चूँकि ए डी तो ब्रेक बीच में है लेकिन वो लगभग बहुत नज़दीक है, हल्का सा काटा गया है केवल करंट के लिए, लेकिन एक ही मानी जाएगी। तो फोर्स ऑन डी ए अगर निकालें क्या आएगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ थीटा कितना है, 180 डिग्री। नहीं, वो ले सकते हैं जीरो भी, पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों ही केसेस में फोर्स कितना लगता है, जीरो। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। अब ज़रा ए बी के बारे में बात करिए, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए बी को हम फिलहाल किसे इंडिकेट करेंगे, एफ वन से। कारण है ना, बार बार एफ ए बी लिखना पड़ेगा ना। ज़रा ए बी को देखिए, ए बी में ये करंट फ्लो हो रही है, देख रहा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो फोर्स कितना होगा, आई बी एल, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90। यानी वैल्यू कितनी आएगी, आई बी एल हो जाएगा, ठीक है। अब ये फोर्स किधर की ओर लगेगा, उसके लिए कौन सा रूल आप बढ़िया समझेंगे, हम तो नहीं लगाते हैं फ्लेमिंग रूल, हम फ्लेमिंग रूल नहीं लगाते हैं हम, राइट। अरे कौन ऐसे ऐसे टेढ़ा करे, चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड भी लगा लेते हैं और राइट हैंड पाम रूल लगा लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, एफ बी आई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कौन है ये, किस जासूसी कंपनी, सुना होगा आपने नाम, कितनी बड़ी जासूसी कंपनी, आतंकवादी प्लेन हाईजैक कर लिए, नहीं हाईजैक नहीं किए, प्लेन
चलाना सीख गए, जान ही नहीं पाए। यहाँ दिल्ली में कोई आतंकवादी घुसते हैं, हम लोग इसके जारी कर देते हैं FBI। फिलहाल वो हम बात ही कर रहे हैं। ये किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उंगली किधर है? अब इसको कैसे घुमाएं? इसको तो फिक्स रखेंगे। ये करंट डायरेक्शन में कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा ना, ये दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट फोर्स ऊपर होगा। अजीब नहीं लग रहा है? ऐसे ऐसे करो, अब बढ़िया सा। अरे सस्ता सा है, दे दादा के नाम तो उसको अल्लाह रखे। आओ इधर, ये किधर ले लो हथेली। उंगली किधर? फोर्स किधर? हो गया, आ गया समझ में? अरे हम अपना हाथ तो लूप के हिसाब से रख रहे हैं ना, हमें लूप से क्या मतलब है? हाथ मेरा किधर है, उंगली किधर है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कौन है, और लूप कैसे रखा हुआ है? लूप ऐसे ही तो रखा हुआ है, तो लूप पे ही तो हाथ रख रहे हैं, लूप के ऊपर से तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लूप रखा है, ये एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे पास हो रही हैं, तो लूप के पैडल ही तो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा हाथ ऐसे तो रखा हुआ है, तो हम चाहे कहें कि हमारी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हैं, और चाहे हम कहें हमारी हथेली उस सरफेस के ऊपर रखा है, तो क्या दिक्कत है? अंगूठा किधर, उंगलियां किधर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जब ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी हैं, और इस लूप के ऊपर भी हमें नहीं है, तो फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी ये फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे दिखा दें? ऐसे ऐसे दिखा दें ना, यहाँ दिखा दें ऐसे F1, या हम F1 को हम क्रॉस लगा दें, चलेगा? नहीं नहीं, डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक और आर्म कौन सी दिख रही है आपको? CD, फोर्स ऑन CD निकाल लेते हैं, जिसका कि नाम रखेंगे F2। ये भी IBL साइन 90 होगा, क्योंकि ये जो आपकी जो करंट एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? IBL। तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, डाउन। ये फोर्स किधर की ओर काम करेगा? तो आपको लग रहा है कि अपवर्ड बोल देते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि वो अगर वो डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड हो जाएगा, तो काहे को अपना हाथ पर यूज़ करें, कर लो हाथ पर यूज। ये किधर है? करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड। हथेली किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन है ना, तो फोर्स किधर काम करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में F2। इसको आप चाहो तो ऐसे डॉट करके दिखा सकते हो, मतलब किसी पॉइंट पे फोर्स दिखा दो। यहाँ पर कैसे दिखाओगे फोर्स? ये अपवर्ड दिखा दो और यहाँ पर डॉट दिखा दो, चलेगा? भाई डाउनवर्ड अपवर्ड बनाने में थोड़ा सा 3D डायग्राम दिक्कत आएगी ना, तो आप डॉट और क्रॉस करके दिखा दो, क्या दिक्कत है? तो ये अपवर्ड फोर्स काम करेगा, अपवर्ड। अब बताओ, इस कॉइल पर एक फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ, एक फोर्स कार्य कर रहा है ऊपर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग कितना होगा? एफ नेट कितना होगा? 0। लेकिन क्या दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं सेम है। इसका मतलब ये जब किसी बॉडी पे कोई ऐसा फोर्स एक्ट करे जिनकी वैल्यू इक्वल और अपोजिट हो, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, तो क्या होता है? ये फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा ना, और घुमाने की कोशिश जो फोर्स करे उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। यानी कि यहाँ पर एक टॉर्क एक्ट करेगा, तो उस टॉर्क की वैल्यू निकाली जाए। ये एक्चुअली में क्वाइल हमने जो रखी हुई है वो कैसे रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है ना। अब अलग की बात, 3D डायग्राम बना नहीं पा रहे हम, एक अलग बात है, क्वाइल जैसे रखी है ना। तो जब क्वाइल ऐसे रखेंगे, सामने से दिखेगा कौन आपको? ये दिखेगा ना, यही तो घूमेगा। यानी ये कौन सी साइड है? AD साइड है ना। तो यानी शुरुआत में आपको पहले इसको यार नोट करिए, फिर इसको रब करेंगे हम। क्यों सही करें? नहीं करें, नहीं मतलब ये बना सस्ता वाला है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसका सरफेस पैरेलल दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसके सरफेस से दिख रहा नहीं था, थीटा 90 दिख रहा नहीं दिख रहा है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना दिख रहा है? 90 दिख रहा है ना, इसका मतलब हमारा सही बना हुआ है। अब देखिए, दोनों फोर्स जो F1 F2 एक्ट कर रहे थे, ये एंटी पैरेलल थे और इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग थी, ठीक है। जब इस क्वाइल को हम देख रहे थे सामने से ऐसे, तो हमको कौन सा पार्ट दिखाई पड़ रहा था? AD दिखाई पड़ रहा था, है ना। तो AD बनाते हैं पहले। ये AD हमने बना दिया, ध्यान से समझिएगा, ये AD बनाया हमने ऐसे।
ए पर फोर्स किधर की ओर काम कर रहा था? डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड फोर्स हमने लगा दिया एफ वन, और डी पे कितना फोर्स कार्य कर रहा था? अपवर्ड, ये एफ टू लगा दिया। इसके बीच की दूरी कितनी है? बी। अब बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक सॉरी क्या बोल रहा हूँ, टॉर्क। यहाँ कपल कार काम कर रहा है ना, जब दो एंटी पैडल फोर्स काम करते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है एफ वन एफ टू की, तो उन्हें कपल कहते हैं ना। तो कपल का जो मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ द कपल, जिसको कि टॉर्क कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? बलागुण का एक बोल देते हैं, एक कोई फोर्स उनके बीच की। तो अगर हम इस पर टॉर्क निकालना चाहें, टॉर्क यानी कि आगुण, तो एक फोर्स एफ वन ले लें या एफ टू ले लें, वो एक लेंगे ना, और इन टू इनके बीच की दूरी ले लें। तो यानी कि एफ वन और एफ टू को मतलब आई बी एल, और इनटू दूरी कितनी है? बी। एल इंटू बी क्या होता है? एरिया होता है, तो आई बी ए। अब इसको हम, तो ये आपका थीटा तो दिया नहीं गया इसमें, तो यानी ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया आई बी ए। अभी हम थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, थीटा की बात हम एक मिनट बाद करेंगे, पहले यहाँ तो पहुँचिए आप। अब ये जो ए डी है, अभी हम देख रहे थे ना सामने से, फिगर तो हमने रब कर दिया है। ए डी जो है वो इस प्रकार से था, तो क्या ऐसे ही बना रहेगा? ये घूमना शुरू करेगा ना, ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है। तो जब घूमना शुरू करेगा तो वो केस चेंज हो जाएगा। अब उन्होंने कहा, मान लिया ए डी जो ऐसे रखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में, सामने से आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा थीटा एंगल से घूम गया, तो जो सेकेंड केस लिया ना उन्होंने, कि जो क्वाइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल मार रही है, तो हमने अब घुमा दिया, यहाँ तक पहुँचने के बाद उसको घुमा दिया। अब घुमा दिया तो ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे कुछ घूम के आएगा, ए इधर आ गया और डी इधर आ गया, समझ में बात आ रही नहीं आ रही, पहले समझ लीजिए क्योंकि एंगल गड़बड़ करेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब सरफेस रखा हुआ था, ये एडी दिख रहा था ना, ये दिख रहा था ना, ये एरिया वेक्टर था, नीचे या ऊपर जो भी लिख लो, ये एरिया वेक्टर था। तो जब ये सरफेस घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा, ठीक है। तो हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब एक लाइन हम बनाए दे रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है। अच्छा, ए पर फोर्स किधर काम कर रहा था? नीचे की ओर एफ वन, और डी पे किधर काम कर रहा था? ऊपर की ओर एफ टू। एफ वन एफ टू सेम है, तो चाहे दोनों को एफ लिख दो, चाहे एफ वन एफ टू लिखा रख दो, एफ वन एफ टू से ये हो जाएगा कि अलग अलग फोर्सेज हैं, वैल्यू सेम आ रही है। अब बताइए क्या एफ वन एफ टू की लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं है, पैरेलल है ना, पैरेलल तो है, तो इनका टॉर्क निकालने का फॉर्मूला तो ही होगा, कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपने बी मानी थी ना, क्या अभी भी एफ वन एफ टू के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है? नहीं है, चेंज हो गई है, लफड़ा है। कैसे चेंज हो गई है? ये एफ टू की लाइन ऑफ एक्शन है, ये एफ वन की लाइन ऑफ एक्शन है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी आप मान सकते हो, इधर से भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। यानी कि अगर यहाँ से हम इसका कुछ नाम दे दें, ए बी सी डी ई मान लें, एफ मान लें, जी मान लें, तो यानी कि जो ए जी है ये इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो आपको ए जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जरा समझने की कोशिश करिए, हम जब इस प्रकार से क्वाइल को देख रहे थे तो ये ए डी दिखाई पड़ रहा था, ये एरिया वेक्टर था और यही मैग्नेटिक फील्ड था, ए डी की डायरेक्शन में था ना मैग्नेटिक फील्ड। अब ये घूम गया तो ये एरिया वेक्टर भी घूम जाएगा, और हमने कहा ये है एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत? ये है एरिया वेक्टर जो इससे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। भाई जो थीटा आप लेते हो किसके बीच का एंगल होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही होता है ना। जो आप थीटा लेते हैं, आई बी एल साइन थीटा, सॉरी आई बी ए साइन थीटा, यहाँ लिखिए, यहाँ लिख रहा हूँ आई बी ए साइन थीटा, तो थीटा क्या लिखेंगे आप? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के। तो ये आपकी सरफेस रखी थी ना ऐसे, ये ए डी दिख रही थी, ये एरिया वेक्टर था ना, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी उंगली की डायरेक्शन में है, ठीक है, नहीं है अभी, है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगा, और जब क्वाइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर घूम जाएगा ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी घूमा कि मेरी उंगली देख रही है, वाजपेयी जी की उंगली घूमी मैं भी घूमूंगा, घूम जाएगी? नहीं घूमेगी ना, तो ये तो थीटा ही रहेगा ना। अब बताओ ये थीटा होगा, ये 90 होगा, ये कितना होगा? नहीं, उस 90 से इससे कोई मतलब ऐसे है नहीं, ये ए डी है, ए डी के परपेंडिकुलर ये है एरिया वेक्टर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना है?
और ये थीटा ये कितना होगा, और ये एंगल कितना है, ये कितना होगा, मिल गया थीटा, मिल गया ना थीटा। थीटा ये वाला है नहीं, थीटा ये वाला है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। लेकिन अब तू बाई चांस दोनों सेम आ गए। अब देखो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ना, आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है ए ए डी जी, इन ट्रायंगल ए डी जी के हिसाब से थीटा के हिसाब से ये साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस, ये साइड क्या कहलाती है बेस। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। ये कौन सा केस ले रहे हैं, व्हेन द कॉइल टर्न्ड थ्रू द एंगल थीटा, ये सेकंड केस आप एक तरीके से ले रहे हैं, ये जो केस आप ले रहे हैं वो सेकंड केस ले रहे हैं। बुक में डायग्राम, कुछ बुक्स में आप देखोगे डायग्राम अलग से बना के रखते हैं थीटा, हम इसी को घुमा देते हैं, क्या दिक्कत है। आप लिखेंगे व्हेन द कॉइल टर्न्स थ्रू एंगल थीटा, एंगल थीटा, थीटा हम एंगल कहाँ से लेंगे, किसके बीच एंगल लेंगे, क्वाइल के मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर से लेंगे, एंगल एरिया वेक्टर से लिया जाएगा। आप टर्न काट दीजिए अगर कंफ्यूजन हो, व्हेन क्वाइल मेक्स एंगल चलेगा, व्हेन क्वाइल मेक्स एंगल थीटा, नहीं 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 भाई साहब, जब क्वाइल बोला जाता है तो कौन क्या बोला जाता है, एरिया वेक्टर बोला जाता है, क्वाइल कुछ भी नहीं होती है, एंगल हमेशा किससे नापा जाता है। अब ये बताओ इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का कितना एंगल बना रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि क्वाइल पहले कितना बना रही थी 90, अब कितना बना रही है, अजय कह रहे 90 है तो 91 थीटा बना रही है, अब समझ में आ रही ना बात हम जो कह रहे हैं, तो अब ये अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, व्हेन द क्वाइल मेक्स एंगल थीटा विद बी, अब सही है ये लैंग्वेज, ठीक है अब तो, नहीं अब ठीक ही क्यों है, हमने कहा एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड थीटा बना रहा है, नहीं बना रहा है, हैं एरिया वेक्टर किसका होता है, एरिया वेक्टर तो क्वाइल ही का तो होगा ना, इसमें एरिया वेक्टर किसी और का ले लोगे जाकर के, घूमेगी क्वाइल एरिया वेक्टर अपना ले लेंगे। अब देखिए नाउ साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बोले तो ए जी, हाइपोटेन्यूज बोले तो ए डी, यहाँ ए जी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी साइन थीटा। जब टॉर्क का फॉर्म लगाएंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन द क्वाइल क्या होगा, कोई फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ वन बोले तो आई बी एल, इंटू ए जी बोले तो बी साइन थीटा, और ये क्या होता है आई बी इंटू ए साइन थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, आई ए क्रॉस बी है, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ जितने फार्मूले होंगे वेक्टर फॉर्म में, बी बाद में लिखिएगा, आई ए क्रॉस बी, सब में बी बाद में होगा, यानी ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एंगल है, एरिया वेक्टर और बी के बीच एंगल है, तो ये टॉर्क का फार्मूला हो गया। अब पहले कुछ बातें समझ लीजिए, एक नोटिंग, क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर की जो हम बात कर रहे थे, एनसीईआरटी ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है, एम के टर्म में दे रखा है, तो पहले एक समझ लीजिएगा इसका फार्मूला, नोट, आई इंटू ए को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, ठीक है, आई इंटू ए को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, इसको कहेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। सो टॉर्क का फॉर्मूला हम पहले क्या प्रूव कर चुके थे, आई ए बी प्रूव किया था ना, आई बी ए क्या प्रूव किया था, आई बी ए प्रूव किया था ना, तो यानी कि आई इंटू ए क्या है, एम, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, एम बी, तो एम बी हो सकता है, और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या प्रूव किया, टाउ, आई बी ए साइन थीटा, या हम यही कर देते हैं साइन थीटा कर दें, थीटा चेंज हो जाएगा उसमें क्या दिक्कत है, तो आई बी ए साइन थीटा कर दें, तो जब आई बी ए साइन थीटा करोगे तो आई, आई इंटू ए क्या हो, ए, तो एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, तो टाउ बराबर एक फॉर्मूला एम के टर्म में आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, या इसको हम एम क्रॉस बी लिख सकते हैं।